हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर समझाने वाला हूँ प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसी तरह के और भी सब्जेक्टों की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, पीपीसी, इन सभी सब्जेक्टों के मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ। भाई आप देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्टों के नाम से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी मालूम नहीं होती किसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं या प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं होगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी की यदि आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी तो इसकी नॉर्मल इसको डिफाइन किया जाता है कि जो आउटपुट और इनपुट है इन दोनों का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर यह समझना भी जरूरी होता है कि किसका आउटपुट और किसका इनपुट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पर किसी प्लांट की, किसी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी फैक्ट्री को, कंपनी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वह क्या होता है, इनपुट होता है। फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमें जगह खरीदनी पड़ती है, ठीक है, इसके बाद हमें जो भी हमारी मशीन वगैरह खरीदनी पड़ती है, लेबर तैयार करनी पड़ती है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, तो यह सब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट। ये जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो और हमें अधिक से अधिक फायदा हो। तो जो प्रोडक्शन होता है वह क्या होता है, आउटपुट होता है। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वह क्या मिलता है, मुझे आउटपुट मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं, आउटपुट अधिक से अधिक हो। तो यही आउटपुट बटे इनपुट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। इनपुट याद रखें, इन्वेस्टमेंट होता है, आउटपुट होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बने हुए मिल रहे हैं वह हम क्या चाहते हैं, अधिक से अधिक। तो यहाँ पर हम चाहते हैं प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट अधिक से अधिक प्राप्त करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमें प्रोडक्ट अधिक से अधिक चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो जो जिससे हमें अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाने में कुछ ना कुछ हमारे अफेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ बाधा डालेंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो होता है मेन फैक्टर क्या होता है, मैन पावर। मैन पावर क्यों होती है मैन फ्रेंड्स, क्योंकि सारा काम कौन करते हैं, मैन, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मशीन को चलाने वाले लेबर हो, या कोई ऑपरेटर हो, या प्लांट में करने वाले अदर कोई कर्मचारी। इनकी अगर इफिशियंसी अच्छी नहीं होगी, इनको प्रॉपर ढंग से यूज नहीं किया जाएगा प्रॉपर, जैसे कोई अगर मशीन चला रहा है तो उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होगी, उस मशीन को सही से नहीं चला पाएगा, तो वह क्या होगी, हमारा आउटपुट में कमी आएगी। इसी तरह जो भी इंजीनियर काम कर रहे हैं उनकी अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो भी हमारी जो भी प्लांट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा और आउटपुट कम मिलेगा। ठीक है, इस तरह हमारे जो भी वर्कर हैं उनको अच्छी तरह हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है, उनको प्रॉपर यूज करना चाहिए, और बीच बीच में जो भी उनको मोटिवेट करने के लिए हमें रुपए के रूप में या अदर किसी रूप में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे हमारा आउटपुट अधिक से अधिक मिले, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब दूसरा होता है मशीन। मशीन भी फ्रेंड्स मेन होता है, क्योंकि मशीन ही है जो हमें आउटपुट देती है, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करती है। मशीनें यदि फ्रेंड्स पुरानी है, अगर पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं तो हमें अगर उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो भी हमारे आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स या फिर हमें क्या करना पड़ेगा आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, जो पुरानी मशीन है उसके लिए आजकल ऑटोमेटिक तरीके से मशीनें आ रही हैं जो कि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट देती हैं, तो इस तरह की मशीनों का यूज नहीं हो रहा तो भी हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मटेरियल। मटेरियल कौन होता है, जो भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल होता है, जिसे बोलते हैं कच्चा पदार्थ। यह मटेरियल भी फ्रेंड्स मेन होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं है, ठीक है, या प्रॉपर मटेरियल नहीं है तो भी हमारी जो भी है प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, या कह सकते हैं हमारे आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट होता है स्पेस या लेआउट। लेआउट मतलब जो भी हमने प्लांट बनाया है वह जगह प्रॉपर है कि नहीं, जहां से भी हम इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको भेज रहे हैं रॉ मटेरियल प्रॉपर आ रहा है, ऐसे स्थान पर बनाया है कि नहीं कि जहां पर प्रॉपर टाइम से मटेरियल आ सके और जो भी हमारे प्रोडक्ट बने हुए उनको बेच सके, तो भी हमारा क्या होगा, वहां पर
हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा स्पेस लेआउट का मतलब होता है हमारे जो मशीन की प्रॉपर व्यवस्था की गई प्लांट के अंदर वह भी प्रॉपर ढंग से लगी हुई है नहीं, उनके लिए सही स्पेस है या फिर नहीं। नेक्स्ट है टाइम। टाइम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है टाइम से हो रहा है या नहीं, ठीक है, हमारी मशीनों का जो समय है वह सही से चल रही है या नहीं, जो भी हमारे काम करने वाले समय पर सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये मेन समय होता है। एनर्जी, एनर्जी फ्रेंड्स एनर्जी से भी आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। एनर्जी मीन्स होता है जो भी हमारी मशीनें काम कर रही हैं उसकी एनर्जी बढ़ाना, उनकी मतलब उनकी जो क्षमता और कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। इसके अलावा जो भी फैक्ट्री की हमारी नॉर्मल जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उसको प्रॉपर मेंटेन करना, उससे भी हमारी प्लांट की इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फाइनेंस। फाइनेंस मीन्स होता है मेन हमारा प्रॉपर बजट बन रहा है वह सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं, वह भी मेन। इसके बाद फ्रेंड्स होते हैं हमारे कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इन पर कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स इसको भी अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल फैक्टर, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में इसको समझाया गया, इसको पढ़ भी सकते हैं, इधर भी लिखा हुआ। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स की जो प्लांट के अंदर काम हो रहा है उससे बाहर के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे भी हमारी कंपनी पर इफेक्ट पड़ता है या प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे भी इफेक्ट पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब जो भी हमारे पास मनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कैपिटल, जो भी मनी है वह उपलब्ध सही तरीके से हो रही है। इसके अलावा टैक्सेशन होता है जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों के जो रूल बनाए जाते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स मार्केट की कंपटीशन का भी इफेक्ट पड़ता है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो भी ट्रेनिंग और टेक्निक फैसिलिटी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट हैं, इनको आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंटरनल फैक्टर, जैसे कि प्लांट लेआउट, प्लांट का जो लेआउट है वह प्रॉपर है कि नहीं, मशीन सही से सेटअप है कि नहीं। मटेरियल ट्रांसफर, मटेरियल ट्रांसफर मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन पर जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है किस तरह हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा है या फिर ऐसे हाथ से भेजा जा रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट बॉडी डिजाइन, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहा है उसकी जो डिजाइन है वह प्रॉपर किस तरह हो रही है, किस तरह नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए, अगर उसमें भी कोई परिवर्तन है, कोई प्रॉब्लम है तो भी हमारे प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। वर्क स्टडी, जो भी काम करने का तरीका फ्रेंड्स, इसकी पूरी मेथड होगी, इसको भी हमें स्टडी करना पड़ता प्लांट के अंदर, जब हम प्लांट के अंदर वर्क प्रॉपर ढंग से करवा पाते। स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है, स्टडी ऑफ लॉ होते हैं, जो भी हमारे लॉ है इसके रूल रेगुलेशन है प्लांट के अंदर काम करने के, वह भी सही फॉलो हो रहा है वो नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, उसकी प्लानिंग क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है किस तरह हो रहा है, उसको कंट्रोल किस तरह किया जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको हमारे प्लांट की आउटपुट को इफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट टेक्निक है, किस तरह की मैनेजमेंट की टेक्निक है, वह प्रॉपर किस तरह से प्लान करती है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं उसकी टेक्निक पे। मशीन एंड इक्विपमेंट है, जो भी हमारे मशीन काम कर रही है और इक्विपमेंट्स है, ये सब इंटरनल फैक्टर हैं, मशीन के अंदर काम होता है उस तरह वह सब फैक्टर्स हैं। इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की एफिशिएंसी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ फैक्टर फ्रेंड्स इनको आप वन बाई वन लिख देंगे, अगर आपको आता है तो एक एक दो दो लाइन के बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं तो उससे और अच्छे नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फैक्टर, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैक्टर पर भी कई बार स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, पे शॉर्ट नोट भी आता है और दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर डायरेक्ट इनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो प्रॉपर क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो फ्रेंड्स इसको भी अच्छे समझ लें, यहाँ पर नॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, द फैक्टर्स मेंशन ऑफ द आर टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म फैक्टर अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिवीजन ऑन द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे टर्म्स हैं इनको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह समझा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय तक जिनको चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे प्लांट का लेआउट बनाना, प्लांट का लेआउट हम क्या प्लांट को एक बार बनाते हैं तो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि वो एक बार बन गया तो वहीं पर हमारा पूरा प्रोडक्शन होना है। तो हमें प्लांट का लेआउट इस तरह बनाना चाहिए कि जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पास में हो, जिससे कि वहां पर जो भी हमारे रॉ मटेरियल हमें कहीं से मंगाना है तो प्रॉपर ढंग से और टाइम से आ सके, जिससे हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें टाइम से। इस तरह जब हम प्रोडक्ट को बाहर भेज रहे हैं तो उसको भी आसानी से भेज सकें। तो इस तरह हमें जगह का, जो भी हमें जगह की प्रॉपर जगह हम प्लांट के लिए तैयार कर रहे हैं उसको इस तरह देखना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म वाले हैं। सिर्फ वर्क स्टडी, वर्क मेथड क्या होती है फ्रेंड, जो काम करने का तरीका है, क्योंकि लॉन्ग टाइम काम करना है मुझे तो वह भी प्रॉपर तरीके से पहले से ही तैयार करना चाहिए। सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस एंड मशीन एंड इक्विपमेंट, जो भी हमारे मशीन और मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स का है,
जो भी हम मशीन तैयार कर रहे हैं उसको भी क्या हो चाहिए, प्रॉपर ढंग से हमारी तैयार हो चाहिए, अच्छी मशीनों का यूज करना है, जैसे ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा प्रॉपर हमें सिलेक्शन करना चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन भी हम प्रोडक्ट का डिजाइन इस तरह करेंगे वो लंबे समय तक चले, ना कि प्रोडक्ट का डिजाइन रिजेक्ट हो जाए और या बार बार उसको चेंज करना पड़े। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ट्रेनिंग टू वर्कर, वर्कर की ट्रेनिंग भी प्रॉपर रहनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही जो है वर्कर जो कि पूरे प्लांट को इफेक्ट करते हैं। इंसेंटिव एंड मोटिवेशन स्कीम, वर्कर को इंसेंटिव मीन्स होता है कुछ ना कुछ उन्हें प्रोत्साहन राशि दे देना चाहिए और उनको क्या मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इनकी इफिशियंसी अगर बरकरार रहती है तो हमारे प्लांट की इफिशियंसी भी बरकरार रहती है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम मतलब एक स्थान से मटेरियल दूसरे स्थान ले जाते हैं, इनके लिए हमें ऑटोमेटिक तरीका अपनाना चाहिए, ना कि मजदूरों से हमें लेना चाहिए, क्योंकि एक मशीन से दूसरी मशीन प्रॉपर ढंग से अगर मशीनों का सही से सिलेक्शन है तो मटेरियल आसानी से, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होते हैं ट्रॉली वगैरह बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिनसे एक मशीन से दूसरी मशीन पर आसानी से मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या रहते हैं, लॉन्ग टर्म रहते हैं, जिनको हमें एक बार फिक्स करना पड़ता है क्योंकि लंबे समय तक चलते हैं। अब कुछ शॉर्ट टर्म भी रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए अगर हम इनको यूज करें तो इनसे भी कुछ आउटपुट बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो ये इफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मैन की पावर को अगर हमें लगता है इसकी पावर अधिक है तो उसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे इफेक्ट हो रही है, आउटपुट इफेक्ट हो रहा है उसको बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस, अगर हम मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। क्या लिखा, लघु जो भी हमारी शॉर्ट इंसेंटिव स्कीम है, शॉर्ट इंसेंटिव स्कीम मतलब होता है जो भी हमारे वर्कर है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम बीच बीच में लाते रहना चाहिए जिससे उनका काम में मन लगा रहे और अधिक से अधिक काम करें, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े। बाय एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, एनर्जी को जो भी हम एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी को हमें अधिक से अधिक क्या करना है, यूज करना, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे उपयोग सही से करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, एनर्जी को बचाएंगे। एनर्जी का मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और भी इस तरह मशीन में जो पावर वेस्टेज हो रही है उन सबको हम बचाएंगे तो उससे भी हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट बढ़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है हमारे स्टैंडर्ड में, जैसे मशीनें आजकल नई नई आ रही हैं, काम करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, इन सब का अगर हम उपयोग करते हैं तो भी हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स ये जो वो फैक्टर थे जिनको जिनसे हमारे क्या होता है आउटपुट हमारा इफेक्ट पड़ता है, तो इनको अगर हम प्रॉपर ढंग से अगर यूज करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट इंक्रीज होगा, नहीं तो ये सारे फैक्टर हैं। अगर क्वेश्चन लिखने को आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मशीन प्लांट को इफेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये सबको आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।